For 2 years, because of COVID, there's been no recruitment, right? This point came up. The government has said that 17 and a half to 21 years was the scheme. Now we are making it 23, which means that a person can come, he can, if he has missed out those 2 years, he can still be eligible to participate in this. If he wants to come, he can come. And this is a voluntary scheme. Indian Army is a voluntary army. We don't conscript soldiers. हमारे यहाँ अनिवार्यता नहीं है. जिसको आना है वो आए. अगर आपको नहीं लगती अच्छी स्कीम मत आओ. भाई आपको बोल कौन रहा है आने के लिए? आप बसें जला रहे हो, ट्रेन जला रहे हो, किसने आपको बोला कि हम आपको फौज में लेंगे? पहले तो आप हमारे मापदंडों पे खड़े उतरो ना. और मेरा एक चीज़ मानना है, जो सेना में 4 साल करके आता है वो अपने आप के अंदर सक्षम होता है. उसकी मानसिकता अलग होती है, काम करने की क्षमता अलग होती है, उसकी प्रेरणा अलग होती है. उसको किसी बैसाखी का सहारा नहीं चाहिए. और जो लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी हम ये क्या रोज़गार है, सेना रोज़गार का साधन नहीं है. मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, सेना रोज़गार का साधन नहीं है. सेना कोई दुकान नहीं है, कोई कंपनी नहीं है. सेना के अंदर जो जाता है वो स्वेच्छा से जाता है. वो स्वेच्छा से कसम लेता है कि मैं देश के लिए जान देने को तैयार हूँ, और वो स्वेच्छा से काम करता है.